स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पे। और आज हम पहुँचे हैं मोहन पैलेस, जहाँ पे लोकेटेड है इंडियन कॉफ़ी हाउस। 1957 से ये जो कॉफ़ी हाउस जो है काफ़ी पॉपुलर है, तो आज देखना चाह रहे हैं कि भैया यहाँ की कॉफ़ी कैसी, और बाकी कुछ खा के भी देखेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए बिल्डिंग के अंदर चलते हैं और एक्सप्लोर करते हैं जगह को। मीनवाइल एक चीज़ मैं बता दूँ दोस्तों आपको कि यहाँ पे जो मेट्रो से अगर आपने, तो वॉकिंग डिस्टेंस पे लोकेटेड है। गूगल मैप में का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया, बड़े आराम से आप यहाँ पहुँच पाओगे। सेकंड फ्लोर पे हम आ गए हैं ऊपर की साइड। पहले जो है सिटिंग आउटसाइड भी होती थी, और मैं तो उम्मीद यही करूँगा कि अब सर्दियों में भी सिटिंग जो है आउटसाइड कर देनी चाहिए। अंदर का माहौल देख के थोड़ी सी निराशा हुई मेरे को कि इतना पुराना रेस्टोरेंट होते हुए भी, इतने मतलब फुटफॉल होते हुए भी, थोड़ा सा जो मेंटेनेंस की कमी मेरे को लगी वो ये थी कि भैया रिनोवेशन की ज़रूरत है इस साइड को। एक हॉल जो है इस साइड है और एक हॉल जो है बैठने का वो इस साइड है। स्टेयर से आप ऊपर आओगे तो लेफ्ट या राइट दोनों साइड जाओगे तो एक हॉल दिख जाएगा आपको। इस साइड जो है एसी लगे हुए हैं तो थोड़ा मतलब आपको बैठने में ज़्यादा कंफर्टेबल लगेगा, बट नो डाउट जो सर्विसेज हैं उसमें कोई कमी नहीं कह सकता मैं। बाकी एटमोसफियर में थोड़ी सी इंप्रूवमेंट की जरूरत है, मतलब माइनर रिनोवेशन अगर भी हो जाएगा ना तो भी काफ़ी अच्छा हो जाएगा। ये मेन्यू है यहाँ का, और ग्लासेस हो चाहे कटलरी हो, सब चीज़ देख के आपको पुराने टाइम की याद आएगी, आपको एकदम समझ जाओगे कि भैया काफ़ी पुराना रेस्टोरेंट ये है। तो चलिए हमने ऑर्डर कर लिया, और हमारे खाने में आज क्या है मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हमने मंगवाया है बटर मसाला डोसा। नॉनवेज अगर खाते हैं तो भैया मटन डोसा एक मिलता है, वो काफ़ी यहाँ पे पॉपुलर है, वो ट्राई आप कर सकते हैं। हम नॉनवेज नहीं खाते तो वेज में आइटम यहाँ पे हमने मंगवा लिया, और उत्पम उत्पम के साथ आप देख सकते हो यहाँ पे डोसा भी है, सांभर और चटनी के साथ। सांभर जो है मतलब अगर मैं बात करूँ सब जगह का, देखो अपना अपना अलग टेस्ट होता है, बट अच्छा लगा मेरे को टेस्ट। और ये है नारियल की चटनी। बाकी भैया थिकनेस थोड़ी कम है बट कोई दिक्कत नहीं है, टेस्ट अच्छा है। और स्टफिंग मैं आपको दिखा देता हूँ मसाला डोसा की, ये देखिए कितनी लाजवाब एकदम बढ़िया से फिल किया हुआ है। सबसे अच्छी चीज़ है कि भैया बहुत ही क्रिस्पी जो है डोसा है। ये कोल्ड कॉफ़ी यहाँ की, थोड़ा सा मतलब जो वही है कि जिनको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पीती है ना उन्हीं को ये कॉफ़ी अच्छी ज़्यादा लगने वाली है। ये जो कॉफ़ी है हॉट कॉफ़ी है, इसमें आपको मीठा अलग से दिया जाता है, तो भैया आप अपना ऐड कीजिए और ड्रिंक मतलब पी सकते हैं। ये है मेरे को जो चीज़ शायद हमें पहले मंगवा लेनी चाहिए थी, वेज कटलेट। सुपर हैवी सुपर डिलीशियस वेज कटलेट, ये तो यहाँ पे अगर आप आते तो ट्राई करना बनता है। दोस्तों खाना तो देख लिया हमने, और अगर कॉस्ट की बात की जाए तो लगभग 650 रुपये कॉस्ट जो हमारा इस खाने का आया। हाँ जी दोस्तों, खा पी के घर पहुँच गए, और अब जरा ममता से पूछ लेते हैं खाना कैसा लगा। खाना देखो, पहली बात बहुत भूख लगी थी उस टाइम पे तो सबसे पहले आया डोसा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त था, एकदम क्रिस्प, और अंदर जो मसाला था उसका मतलब जो फ्लेवर्स थे एकदम मस्त आ रहे थे। काफ़ी डिलीशियस डोसा था, मतलब जैसे हमने बहुत टाइम हो गया वैसे शरण भवन का खाया नहीं है, लेकिन वो मुझे बहुत बढ़िया लगता है। ये वाला मुझे उससे भी टॉप क्लास लगा, एकदम ज़बरदस्त था। और दूसरी चीज़ थी उत्तपम, उत्तपम काफ़ी टेस्टी था, ऐसा उत्तपम मैंने मुझे नहीं लगता कि कहीं खाया होगा, बहुत ज़्यादा डिलीशियस था। अनियन उत्तपम था, वेजिटेबल और वो अलग होते हैं तो वो हो सकता है उनका टेस्ट थोड़ा डिफर करे, लेकिन जो अनियन वाला था वो एकदम ज़बरदस्त था। मेन जो है वो, जैसे कॉफ़ी हाउस है इसका नाम, तो जो कॉफ़ी है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, तो जिनको स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी पसंद है उनको बहुत बढ़िया लगेगी। मुझे थोड़ी माइल्ड कॉफ़ी पसंद है, इसलिए मेरे को थोड़ी यूं लगा कि जैसे एकदम हिट कर रही है ज़बरदस्त, थोड़ी कड़वी लग रही थी मतलब, इसलिए वो थोड़ी कम अच्छी लगी मुझे, बाकी सब चीज़ें मस्त हैं एकदम। तो भैया बहुत नाम सुना था, हम पहुंच गए थे इसलिए, और खाने में सच बताऊं कि मतलब जो ममता जैसे बता रही थी ना, जो बटर मसाला डोसा था ना उसका जो क्रिस्पीनेस था ना, वो मतलब शुरू से लेके एंड तक वो यूं ही क्रिस्प था। इवन मतलब एसी हॉल में बैठे थे उसमें, मतलब ठंड एसी थी, मतलब नॉर्मली बाकी क्या होता है वो सोगी सोगी सो हो जाता है, बट भैया ये एकदम क्रिस्पी था, मतलब मज़ा आ गया खा के। और कॉफ़ी कोल्ड रोड दोनों हमने ट्राई करी, कोल्ड कॉफ़ी मतलब ज़्यादा अच्छी लगी। अब सर्दियां आ रही है, मुझे नहीं पता कि लोग आप ट्राई करोगे नहीं करोगे। हाँ, बहुत सारे लोग मैंने देखे थे, मैं नोटिस कर रही थी थोड़ा थोड़ा हमारा खाना आया जब तक, के लोग आ रहे थे और जो उनकी स्पेशल कॉफी है हॉट कॉफी सिर्फ वो पी के और फिर जा रहे थे, तो हो सकता है जो कॉफी लवर हैं उनको मतलब वो जो स्ट्रॉन्ग कॉफी है उनकी वो बढ़िया लग रही है, इसीलिए तो सिर्फ कॉफी पी के जा रहे थे ना। एक ममता ने एक मिस कर दी एक चीज की, भैया हमने कटलेट भी खाया था। अब आपके लिए स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि कटलेट खाइए जरूर, लेकिन या तो बहुत ज्यादा भूख हो तब खाइए, या कोई मेरे जैसे भूखड़ लोग आपके साथ हो जो एक्स्ट्रा खा सकते हो तब खाइए, और या फिर भैया खा रहे हो तो उसके साथ अभी कुछ मत मंगाना, पहले कटलेट ट्राई करो कॉफी के साथ या मतलब अकेले कटलेट, फिर कुछ सोचना कि क्या खा सकते हो, क्योंकि बहुत ही ज्यादा हैवी कटलेट है वो तो उम्मीद आपको हमारा वीडियो पसंद आएगा। भैया ऐसे ऐसे वीडियोज आप और देखना चाहते हो तो कमेंट कर सकते हो कि हम किस और जगह को एक्सप्लोर किया जाए दिल्ली NCR में, और आपके साथ शेयर किया जाए। थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए, बाय बाय, टेक केयर। Thank you.